आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स केमिस्ट्री फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट का सफाया बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ डाउनलोड नाउ हेलो स्टूडेंट्स ये जो क्वेश्चन है ये द रैट रैप चैप्टर का क्वेश्चन है क्लास ट्वेल्थ के इंग्लिश बुक का तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है द स्टोरी है रैट ट्रैप की इसमें ऐसे बहुत सारे इंस्टेंसेज हैं जहां पे हमें जो कैरेक्टर्स हैं उनके अलग अलग रिएक्शंस, अनएक्सपेक्टेड रिएक्शंस देखने को मिले हैं जैसा लोगों ने उनके साथ व्यवहार किया है उसके अकॉर्डिंग ठीक है तो हमें वही वाले सारे जो इंस्टेंसेज हैं जो भी ऐसी, -ऐसी आंसर में बतानी है तो देखते हैं लोगों ने कैसा किसके साथ व्यवहार किया है कैरेक्टर के साथ और फिर उनके अनएक्सपेक्टेड रिएक्शन वहां पे हमें देखने को मिले हैं जैसे कि सबसे पहले स्टोरी में ऐसे बहुत सारे इंस्टेंसेज हुए हैं जहां पे अनएक्सपेक्टेड रिएक्शन कैरेक्टर के देखने को मिले हैं सबसे पहला क्या था कि क्रॉफ्टर की हॉस्पिटैलिटी द स्टोरी हैज मेनी हेज ऑफ अनएक्सपेक्टेड रिएक्शन फ्रॉम द कैरेक्टर्स टू अदर्स बिहेवियर लाइक द फर्स्ट इंस्टेंस सबसे पहला इंस्टेंस क्या था इज दैट ऑफ क्रॉफ्टर्स हॉस्पिटैलिटी टू दी पेडलर की क्रॉफ्टर ने जिस तरीके की हॉस्पिटैलिटी पेडलर को दिखाई उसको अपने घर में रखा क्योंकि वो बहुत ज्यादा लोनली था क्रॉफ्टर खुद लोनली था और जैसे ही उसने पेडलर को देखा तो उसे एक होप दिखी कि हाँ अब कोई कंपनी उसको एक मिल गई है तो उसने उसका बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से स्वागत किया ऐसा पेडलर को एक्सपेक्टेड नहीं था क्योंकि जब भी उसने किसी का दरवाजा खटखटाया हमेशा उसको वहां से कोल्ड बिहेवियर ही मिला तो ये सबसे बड़ा अनएक्सपेक्टेड रिएक्शन था दूसरी चीज द पेडलर वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग द स्टे फॉर अ नाइट इन अ कॉटेज बट ही वॉज सरप्राइज वेन क्रॉफ्टर बिहेव इन सच अ फ्रेंडली मैनर कि जो पेडलर है वो एक रात रुकने का तो सोच ही नहीं रहा था कॉटेज में उसके दिमाग में ही नहीं था तो जब क्रॉफ्टर ने उसको ये चीज मतलब कि बताई बोली कि आप यहाँ पे रुक सकते हो और बहुत ज्यादा फ्रेंडली उसके साथ बिहेव किया तो वो बहुत मतलब आश्चर्य में आ गया कि ऐसे भी लोग होते हैं जो आपकी मदद करते हैं तो द सेकेंड इंस्टेंस वॉज द आयरन मास्टर्स इन्विटेशन अब दूसरा इंस्टेंस क्या था कि जब आयरन मास्टर ने इन्वाइट किया टू हिस मैनो हिमसिल्फ वॉज सर प्राइज टू रियलाइज हिस्स मिस्टेक इन रिकग्नाइजिंग पेडलर द वेरी नेक्स्ट डे सेकंड इंस्टेंस ये था कि जब आयरन मास्टर ने इन्वाइट किया उसको अपने मैनो में कि आप रह सकते हो क्रिसमस ईव पे आपको इनवाइट करता हूं ऐसा उसने क्यों किया क्योंकि उसे लगा कि वो कोई एक ओल्ड कॉमरेड है एक्सामी मैन था वो खुद तो उसे लगा कि वो उसका कोई पुराना यार है कैप्टन वॉन टेल जो कि हमें बाद में पता चलता है लेकिन एक और रिएक्शन हमें देखने को मिला जब ब्रेकफास्ट पे वो आया सुबह सुबह पूरा ग्रूम होके साफ सुथरा कर दिया था नहा धुला दिया था उसको शेव वेव कर दी थी उसकी तब उसे फील हुआ कि नहीं ये इंसान जो है वो गलत है पहले तो उसने उसे अपने घर पे इनवाइट किया और उसके बाद उसने ऑर्डर दे दिए उसको अरेस्ट किया जाए तो ये भी एक अनएक्सपेक्टेड रिएक्शन जो था हमें देखने के लिए मिला अनादर सरप्राइजिंग इंस्टेंस वॉज एडलास कंसेंट टू सीक पेडलर्स प्रेजेंस फॉर क्रिसमस अब एक और इंस्टेंस सरप्राइजिंग ये था कि किस तरीके से जो एडला थी वो पेडलर को सर्व करना चाहती थी मतलब उसको बहुत ज़्यादा अच्छे से क्रिसमस ईव पे इनवाइट करना चाहती थी और वो चाहती थी कि वो कुछ जो समय है वो उसके साथ वहाँ पे बिताए उनके वहाँ पे रहे ताकि वो उसकी खातिरदारी कर सके एज अ गेस्ट क्यों क्योंकि उनकी मॉम नहीं थी दूसरा उसका भाई भी वहाँ पर नहीं था तो उन्हें बहुत ज़्यादा लोनली थे वो लोग और जैसे ही उन्होंने पेडलर को देखा तो उन्हें लगा कि वो अब क्रिसमस के दिन किसी गेस्ट को सर्व कर सकते हैं इन दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस था क्योंकि उसके जो फादर थे उन्होंने उसको एक अपना पुराना दोस्त समझ के हॉस्पिटैलिटी प्रोवाइड की थी लेकिन जो एडला थी उसने क्या किया उसने ट्रूली बहुत ही ज्यादा हम कह सकते हैं कि एक ट्रू उसका कंसेंट था पेडलर को लेके उसने ये नहीं सोचा कि ये कौन है उस पापा जी का दोस्त है पुराना या कुछ भी है उसने ऐसा कुछ नहीं सोचा उसने सिर्फ पेडलर की हालत देखी और वो बहुत ज्यादा काइंड हार्टेड वूमेन थी तो उसने सोचा कि हमें इस इंसान की मदद करनी चाहिए द मोस्ट अनएक्सपेक्टेड रिएक्शन इज द पेडलर वेन ही लीवस द पैकेज एंड द लेटर फॉर एडलाज कंसेंट रिस्पेक्ट एंड हॉस्पिटैलिटी टू वर्ड हिम और सबसे ज्यादा अनएक्सपेक्टेड रिएक्शन था हमारे पेडलर का जो कि हमने बिल्कुल एंड ऑफ द स्टोरी में जाके देखा वो इंसान क्या था वो हमेशा वर्ल्ड के बारे में बुरा ही सोचा करता था लेकिन जब एडला ने उसके साथ इतना ज्यादा अच्छा व्यवहार किया तो उसने उस चीज की रिस्पेक्ट की और उसने वो पैकेट जो उसने चुराया था क्रॉफ्टर के घर से और एक लेटर एडला के लिए उसकी रिस्पेक्ट करने के लिए कि आपने मेरे साथ इतना अच्छा व्यवहार किया उसकी रिस्पेक्ट करते हुए उसने वो सारी चीजें उसे लौटाई और एक गिफ्ट की तरह उसे दी तो हम देख सकते हैं कि जैसे जैसे लोगों ने उसके साथ बिहेव किया हम स्टार्टिंग में देखा कि क्रॉफ्टर ने भी उसके साथ हॉस्पिटैलिटी दिखाई आयरन मास्टर ने भी दिखाई उन सब चीजों ने हमारे पेडलर को चेंज नहीं किया था पेडलर को चेंज किया एडला ने क्यों क्योंकि उसका जो मकसद था वो बहुत ज्यादा ट्रू था उसने जो भी हॉस्पिटैलिटी दिखाई थी बिना किसी सोचे समझे दिखाई थी क्लियर तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि हर एक कैरेक्टर के अलग अलग रिएक्शंस निकल के आए थे अलग अलग बिहेवियर दिखे हमें पेडलर के साथ थैंक यू क्लास सिक्स टू ट्वेल्व से लेके नीट आई आई टी जे मेन्स और एडवांस के लेवल तक दस मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा आज ही डाउनलोड करें डाउट नेटअप याप कीजिए अपने डाउट्स आठ चार सौ चार सौ चार सौ आरोप